A very good morning to you all, students. I hope you all are safe and fine at your homes. Today I am going to explain you the question answers of your poetry on killing a tree. Earlier I have explained you that poem. So to start with question number one, can a simple jab of the knife kill a tree? Simple jab of the knife. What does it mean? एक साधारण सी चोट नाइफ से अगर हम करें, पेड़ के ऊपर वार करें चाकू से, तो क्या वो मार सक हम पेड़ को काट सकते हैं, उसको मार सकते हैं? Why not? It means answer is no. Why not? क्यों नहीं कर सकते? So the answer is no. A simple jab of the knife cannot kill a tree. A tree takes many years to grow to its full size by absorbing sunlight, air and water. आंसर है नहीं. चाकू का साधारण सा वार एक पेड़ को नहीं मार सकता, क्योंकि एक पेड़ बहुत साल लेता है अपने आप को पूरे साइज तक, फुल साइज तक बड़ा करने के लिए. और कैसे बड़ा होता है वो? बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर. द रूट्स ऑफ द ट्री ग्रो डीप एंड होल्ड इट फर्मली इन द सॉइल. और जो ट्री की जड़ें होती हैं वो अपने आप को बड़ा करती हैं और ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर बहुत गहराई में जाती हैं और उसको जकड़ लेती हैं फर्मली. सो ओनली अ चॉप कैन नॉट किल द ट्री बिकॉज इट विल स्लोली हील अप एंड ग्रो टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चाकू का एक साधारण सा घाव होता है वो एक पेड़ को नहीं मार सकता, क्योंकि वो फिर से धीरे धीरे वो घाव बढ़ जाएगा और पेड़ वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर टू, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव टू इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. किस तरीके से जो पेड़ है वो अपने फुल शेप और साइज में बड़ा हो जाता है? और हमें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी लाइंस बतानी हैं पोएम से जो इन चीज़ों को हमें बता रहा है, जिनसे हमें ये पता लग रहा है कि पेड़ किस तरीके से ग्रो करता है. द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाई कंज्यूमिंग नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट एंड ऑब्जर्विंग सनलाइट, वाटर एंड एयर फॉर सेवरल ईयर्स. जो ट्री है वो अपने फुल साइज तक बड़ा होता है अर्थ के क्रस्ट पर कंज्यूम करके, उसमें ग्रो अप करके, सनलाइट लेकर, वाटर लेकर, एयर लेकर, और ऐसा वो सालों तक करता है. जब तक वो जीवित रहता है, जब तक वो पेड़ जिंदा रहता है, वो ऐसा ही करता रहता है. और कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता लग रहा है? ग्रो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ फर्स्ट, सेकेंड है राइजिंग आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर निकल रहा है, बड़ा हो रहा है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. या नेक्स्ट, एब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और स्प्राउटिंग लीव्स. ये सारे के सारे फ्रेजेस, वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? ब्लीडिंग बार्क जो है उसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, और क्यों ब्लीड करती है, किस वजह से वो ब्लीड कर रही है? Bleeding bark refers to seeping of the sap like substance from a part of the tree trunk where it has been hit with the axe. Bleeding bark का मतलब है यहाँ पर कि उसके ट्रंक से, उसके किसी भी पार्ट से, पेड़ के पार्ट से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है. और क्यों निकल रहा है? क्योंकि उस पर चोट की गई है, वार किया गया है कुल्हाड़ी से, एक्स से. द ट्री इज सेड टू ब्लीड व्हेन इट इज चॉप्ड, हैक्ड और जैब्ड एट. जो पेड़ है वो ब्लीड करता है जब उसके ऊपर कोई वार किया जाए, उसको जकड़ा जाए, उसको काटा जाए. Here the poet wants to convey a message that just like human beings feel pain and start bleeding whenever they get hurt, the trees also feel pain.
तो यहाँ पर पोएट एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की तरह जब इंसानों को चोट लगती है और उनके शरीर से ब्लड आता है, उन्हें दर्द होता है, ठीक ऐसे ही पेड़ों को भी दर्द होता है, उनकी बॉडी से भी ब्लड आता है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। नो बोला है उन्होंने थर्ड स्टेंजा के स्टार्टिंग में। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उन्होंने नो क्यों बोला, क्या कहना चाह रहे हैं वो इस बात से? सो द आंसर इज द पोएट हैज सेड नो टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट मेयर चॉपिंग और हैकिंग वुड नॉट किल द ट्री। पोएट अपनी बात पर जोर दे रहे हैं, एक एम्फेसाइज कर रहे हैं वो, कि जो सिर्फ छोटी सी चॉपिंग या उसकी हैकिंग, उसको ज़बरदस्ती खींच लेना, ये चीज़ें सिर्फ पेड़ को नहीं मार सकती, वो दोबारा से बड़ा हो जाएगा, ग्रो अगेन, और रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज मीन्स वो वापस उतना ही बड़ा हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वापस उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ? एंकरिंग अर्थ का क्या मीनिंग है? एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव, एंकरिंग अर्थ और अर्थ रूपी गुफा का क्या मीनिंग है? एंकरिंग अर्थ मीन्स दैट द अर्थ प्रोटेक्ट्स द अर्थ ट्री बाय होल्डिंग इट फर्मली बाय इट्स रूट। एंकर होता है जब हम किसी बड़े जहाज को किनारे पर खड़ा करते हैं तो वो टाइड्स का असर उसके ऊपर ना हो, वेव्स का असर उसके ऊपर ना हो, तो इसलिए उसको एक बड़ी सी रस्सी के साथ और बहुत बड़े से एंकर के साथ ज़मीन में के साथ बांध देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से एंकरिंग अर्थ मीन्स कि ये जो धरती है वो ट्री की जड़ों को बाकायदा बहुत ही फर्मली पकड़ लेती हैं मजबूती के साथ और ट्री को खड़ा रखती हैं। अर्थ केव मीन रेफर्स टू द डीप एरिया अंडर द ग्राउंड दैट होल्ड्स द रूट्स एंड कीप्स द ट्री स्टैंडिंग टॉल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवर्सिटीज। देखो, खड़ा तो रखती है जड़ें, लेकिन अर्थ रूपी जो केव है वो उसको हर तरह की एडवर्सिटीज से बचाती है, जैसे हैवी रेनफॉल, बहुत तेज़ बारिश हो, तूफान हो, और ये तेज़ सनलाइट उसकी जड़ों तक ना पहुँचे, है ना, डायरेक्टली वो सनलाइट में उसकी जड़ें सूख ना जाएं। अदरवाइज़ ऊपर का पेड़ सूख भी जाता है ना, जड़ें हरी होती हैं, जड़ों में जान होती है तो वापस पत्तियाँ निकल आती हैं, और ये उसको इस जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, खाद के साथ और अर्थ के क्रस्ट से जो मिलता है उसको, पानी उसकी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, इसलिए अर्थ केव। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? पोएट ने कहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इसका क्या मतलब है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट्स। सबको पता है कि जो पेड़ की असली ताकत है वो उसकी जड़ों में होती है, जैसा मैंने अभी कहा कि ऊपर से पौधा अगर सूख जाए या उसको काट भी दें, पेड़ को, पौधे को, तो भी उसकी जड़ों में अगर जान है, वो अलाइव हैं, तो वापस वो बड़ा हो जाएगा, वापस स्प्राउट्स आएंगे, वापस पत्तियाँ, फूल, फल सब आएगा। Does the phrase the strength of the tree exposed refers to the roots of the tree being exposed to sunlight and air after pulling the tree out of the ground? तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसका मतलब है उन जड़ों को कहा जा रहा है कि जो निकाल दी गई हैं और उनको खुला छोड़ दिया गया सनलाइट और एयर में, कि उनको अंदर से निकाल करके और फेंक दिया गया और खुला छोड़ दिया गया। दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द ट्री, और इस तरीके से अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा कि पेड़ मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? फाइनली क्या चीज़ है जो पेड़ की जान ले लेती है, उसको मार देती है? द ट्री इज़ फाइनली किल्ड बाई पुलिंग आउट ऑफ अर्थ व्हेन इट्स रूट्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट एंड एयर। द ट्री बिगिंस टू गेट स्कॉर्च्ड एंड चॉक्ड, इट देन स्टार्ट्स विदरिंग, इट बिकम्स ब्राउन, ड्राई एंड हार्ड, फाइनली इट डाइज। जो ट्री है वो फाइनली
अर्थ के बाहर उसकी जड़ें निकाल दी जाती हैं और उनको सनलाइट और हवा में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसकी जड़ें सूख जाती हैं और उसके बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और फाइनली पेड़ की डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद सम मोर स्टफ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।